subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुम्हारी सेवा नहीं कर सकूंगा। गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ। सुना है शहर में जाकर लोग धन कमाकर भगवान को भूल जाते हैं। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा माँ। और शहर से जब धन कमाकर लौटूंगा तो तुम्हारी मूर्ति पर सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। नई हवा में उड़ने देखो बन का मोर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। सावन भादो आता है, सुनते हैं शहर में जब जब सावन भादो आता है, पानी की बूंदों के बदले हरे नोट बरसाता है, भर लेता है झोली जिसका जितना जोर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। सुना है रात कहाँ की दिन को शर्माती है, ये भी सुना है रात कहाँ की दिन को शर्माती है, दीवारों को हाथ लगाओ तो बत्ती जल जाती है, अपने घर तो दिया कभी ना सारी रात जला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। आकाश वहां भी होगा या ना होगा, ये धरती आकाश वहां भी होगा या ना होगा, देखा जाएगा किस्मत में जो भी लिखा होगा। निकल पड़े जब घर से क्यों ना करे गराम भला, अपना गांव
संभालो मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला चाहिए। मैं तो अपने मौसा का घर ढूंढ रहा हूँ। मकान नंबर 118 भुवनेश्वर कबूतर खाना 2 नंबर की मुंबई बाबू चंद्रशेखर पांडे वकील। अरे राम राम राम, ये सुबह ही सुबह किसका नाम ले दिया, अब तो पान लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। भैया जी पता बता दो ना। अरे भाई उसी यमदूत की तो छाया में मैं रहता हूँ, नीचे हमारी दुकान ऊपर उसका मकान, ये खाट वाले दरवाजे से अंदर चले जाओ खुद ही मिल जाएगा बेईमान। अरे हो सो गला फा रहा है, घंटी बजा। घंटी? मगर भैया जी यहाँ तो कोई घंटी नहीं लटक रही। अरे मंदिर वाली घंटी नहीं बटन वाली घंटी, वो बाजू में सफेद बटन लगा है उसे दबा, आवाज खुद ब खुद ऊपर पहुंच जाएगी। बटन नीचे दबाओ आवाज ऊपर जाएगी, तब तो ठीक है। अबे ये घंटी तेरे बाप की है जो दबाए चला जा रहा है, जानता है कि ये बिजली से चलती है और बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अरे वाह मौसा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बिरजू हूँ, बिरजू दुर्गापुर वाला। दुर्गापुर वाला? हाँ। मगर तू यार बंबई में क्या लेने आया? अरे भूल गए आप, 10 बरस पहले जब गाँव में आपने हमारी जमीन ले ली थी और माँ के सामने कहा था बेटा शहर चले आना जमीन के बदले तुम्हें दुकान खुलवा दूंगा, तो चला आया। अच्छा तो शहर में दुकान खोलने आए हो, मगर भैया इतना याद रखना जो यहाँ से कपड़े पहनकर ऊपर जाता है वो नंगा होकर नीचे उतरता है। चल चल तू अंदर चल, घर की बातें दरवाजे पर नहीं होती, अंदर चल। मौसा जी आपके शहर के आसपास तो बहुत पानी है, इसीलिए बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां भाग रही हैं। इससे देखो सिर्फ वो बात ही नहीं करता, वो तो भरा हुकान वाले का, इसने आपका दरवाजा दिखा दिया। हाय हाय काहे को सुबह सुबह उस कमखत का नाम लेकर उनका साथ बिगाड़ रहा है, सीधे सीधे चल। मौसी जी 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 अजी कौन है ये नारू? अरे मौसी मुझे नहीं पहचाना, मैं बिरजू हूँ, बिरजू दुर्गापुर वाली लक्ष्मी का बेटा। याद है 10 बरस पहले तुम हमारे गांव में आई थी, मेरे लिए बंबई से हलवा लाई थी, बड़ा स्वाद था, और तुमको भी तो सरसों का साग करने का बड़ा शौक था, क्षेत्र में हमारा सारा खेत साफ कर गई थी। हाँ हाँ याद है याद है, ज्यादा बकबक मत कर, यहाँ क्या लेने आया है? भगवान का दूसरा रूप माँ होती है मौसी, मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई, अब तो तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा यही तुम्हारे चरणों में। हाँ राम यहाँ तो पहले ही कोई हाथ नहीं लाता, ऊपर से बिन बुलाए मेहमान चले आ रहे हैं। मेहमान? अरे क्या बात करती हो मौसी, मैं तो इसे अपना घर समझ के आया हूँ, जैसे माँ की सेवा किया करता था ना वैसे ही तुम्हारी भी सेवा किया करूंगा, बस मौसा जी मुझे दुकान खुलवा देंगे फिर अपनी पहुंचों घी में। सर कढ़ाई में क्यों जी, ये दुकान का क्या कस्सा है? अरे भगवान जरा चुप तो रहो। हाँ बेटा देखो ये तुम्हारा घर है, बस काम से जी मत चुराना और घर की देखभाल जरा अच्छी तरह करना। अरे मौसा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और फिर बुजुर्गों की सेवा करना तो माँ कहती थी बड़े पुण्य का काम होता है। जीते रहो बेटा जीते रहो। अच्छा देखो ये साथ वाली सीढ़ी से सीधे ऊपर चले जाओ, वहाँ हमारी नौकरानी है, उससे बोलो कि रसोई के साथ वाला कमरा तुम्हें दे दे और तुम अपना सामान वामान अच्छी तरह से रखो उसमें। इसे घर में तो रख लिया है, अब दुकान कैसे खुलवा दोगे? बिंदु की माँ हमने लोगों की खुली हुई दुकानें बंद करवा दी हैं, ये क्या दुकान खोलेगा?
मेरा नाम ब्रिजभूषण है, लोग मुझे बिरजू कहते हैं। लेकिन तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं पूछती हूँ, तुझे नीचे किसी ने रोका नहीं? मुझे कौन रोकेगा, नीचे वालों ने तो मुझे ऊपर भेजा है, आज से मैं भी यही रहूंगा। यही रहेगा? ओ समझी, ठीक है, जरा मेरे कपड़े तो दे। अच्छा तू जाके अंगीठी को पंखा कर, बाकी काम मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा होती है? अरे मैं तनख्वाह की बात कर रही हूँ, क्या मुफ्त में काम करेगा? ए, तू मुझे नौकर समझती है? अरे ये तो मेरे मौसा मौसी का घर है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने को आया हूँ। मौसा मौसी का घर है? हाँ। तो फिर तुझे छत पे रहने के लिए क्या भेज दिया? मौसा जी मेरी आदत जानते हैं, मैं गाँव का रहने वाला हूँ ना, इसलिए छत में मुझे खुली हवा में भेज दिया। सूरत भी गंवार जैसी और बातें भी गंवार जैसी। बेवकूफ, मालिक को गंवार बोलती है। अच्छा बाबा, हाँ। मैं तुझे भोलेनाथ कहूंगी। भोलेनाथ? वो तो शिव जी का नाम है, तब तो ठीक है। तेरा नाम क्या है? पारो। पारो? पार्वती। पार्वती? भोलेनाथ की पार्वती। पारो, ओ पारो, नाश्ता तैयार कर लिया? वो मालकिन मैं नहा रही थी, अभी तैयार कर देती हूँ। अच्छा पारो, ये अपना बिरजू है ना? अरे बिरजू, ये ले 10 पैसे, नीचे होटल में जाके नाश्ता कर ले, तुझे भूख लगी होगी। जा। 10 पैसे होटल में नाश्ता है? देखा, मैं हूं ना इनका रिश्तेदार और तू मुझे नौकर कहती थी, बेवकूफ। सारो, इसकी बातों में मत आना, इससे सब काम लेना जो पहला नौकर किया करता था। लेकिन मालकिन, वो तो कहता कि आप उसकी मौसी लगती है। अरे जब हम गाँव में रहते थे ना, तो इसकी माँ मुझे बहन कहती थी, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके रिश्तेदार हो गए। जा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, बिंदु को कॉलेज जाना है। पान खाए मलमा हमार, मल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। अरे पान, भैया जी, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? अरे भैया, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल है, ताजमहल होटल, सन एंड सैन होटल, किंग्स होटल, अप्सरा होटल, अल्पेश्वर होटल। बस 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 बस, ये बताइए कि 10 पैसे में सबसे अच्छा नाश्ता कहाँ मिलेगा? 10 पैसे में नाश्ता? 10 पैसे में नाश्ता तो नहीं, लेकिन धक्के जरूर मिलेंगे। वो कोने वाली दुकान पे जाकर 10 पैसे की मूंगफली ले ले, जा। अच्छा अच्छा, घर से आ जाते हैं 10 पैसे में नाश्ता। और ये जी, अरे एक टिकट दो रात्रि का। अरे भैया दो ले लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनाम 5 लाख रुपया रखा हुआ है। ये बात है, दो दे दो। हाँ दो लो भाई, लो ये लो। ए, तू खड़ा यहां कर रहा है, उठ यहां से। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे ये क्या, फटी पुरानी बनियान पहनकर कहाँ जा रहा है? मम्मी फैशन का जमाना है, आज के लोग अंदर नहीं देखते, बाहर ही देखते हैं। मम्मी जानती हो, आज मैं एक फिल्म कंपनी में स्टोरीज बनाने जा रहा हूँ। स्टोरीज, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, गाना, सब कुछ मेरा। मम्मी तुम्हारे चरणों की सौगंध, 1,25,000 रुपया से कम नहीं लूंगा। 1 रुपया देना मम्मी स्टूडियो जाने के लिए। भार में जाए तेरा स्टूडियो और तू, कमाई ढीले की नहीं और बातें पड़ता लाखों की। मम्मी हमारा बस ये नाश्ता कर लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता, रख लो अपने पास। कितनी बार कहा है पढ़े लिखे नौकरी रख लो, रख सकते हैं गवारों को, न टाइम का पता न वक्त का ख्याल। ओहो गुस्सा मत करो, लाओ हम ब्रेकफास्ट करेगा, हम करेगा, डोंट वरी। मम्मी 10 रुपीज निकालो, 10 रुपए सब्जी भाजी लाने के लिए। क्यों रे, तू कहता था आलू रुपया किलो मिलते हैं और वो पड़ोसन कहती थी आठाने किलो। मम्मी भाव जो है ऊपर नीचे होता रहता है। मौसी, 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 मौसी,
ये कार्टून कौन है? ये है बिरजू। गांव में इसकी माँ मेरी मुंहबोली बहन थी। जब ये घर का काम काज अच्छी तरह सीख जाएगा तो तुम्हारे पिताजी इसे दुकान खुलवा देंगे। हाँ, और मौसा जी ने मुझे वचन भी दिया है। बिरजू हाँ? ये है तुम्हारा बड़ा भाई राम, फिल्म कंपनी में काम करता है। और ये है तुम्हारा छोटा भाई श्याम, बहुत जल्दी विलायत जाने वाला है। हाय, मगर मौसी वो लड़की कौन है? अरे बेटा, वो है बिंदु, तुम्हारी छोटी बहन, कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ने लिखने का इतना शौक है कि खाना पीना भी भूल जाती है। मम्मी, टेक दिस, आई गो, बाय। मैं भी चल देता हूँ। खाना भी भूल जाती है। अरे बेटा, अंग्रेजी राज के मजे तो अंग्रेजों के साथ ही चले गए। हाय हाय, क्या जमाना था, तनख्वाह कम और रिश्वत ज्यादा। मगर आज इंदिरा गांधी का राज, एक फूटी कौड़ी कोई रिश्वत देने को तैयार नहीं। अरे तू काय को रुक गया भाई, तू तो जोर से हाथ मारे जा, बदन टूट रहा है बेटा। मगर मौसा जी, आप तो सारा दिन घर पर ही रहते हो, थक कैसे जाते हो? अरे दो चार दिन से तबीयत जरा नरम गरम है ना, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। अरे बेटा, एक जमाना था जब मैं सरकारी वकील था। तो बेटा, क्या धूम थी मेरी वकालत की। देशी लोग तो देशी लोग, अंग्रेज लोग टोपी उतार उतार कर सलाम करते थे मुझे। लेकिन आज बेटा, आज तो लोग मेरी टोपी उतारने को तैयार हैं। ऐसा मौसा जी? अरे बेटा, दूर कहाँ जाता है, वो नीचे सुंदर पान वाला है ना, 11 महीने का किराया नहीं दिया है। मैं तो कहता हूँ कि आज के जमाने में जायदाद बनाने ही गुनाह है। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, मीटर टैक्स, बाप रे बाप, मरने के बाद भी टैक्स, ऊपर से किराएदार किराया नहीं देता है। मैं पूछता हूँ कि जायदाद बनाने का फायदा ही क्या है जब 4 पैसे की आमदनी न हो। मगर मौसा जी, दुकान से तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। आप मुझे दुकान खोल दें, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मगर बिरजू बेटा, दुकान चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे बेटा, पहले घर का काम काज अच्छी तरह सीख लो, जब तुम होशियार हो जाओगे ना तो एक दुकान। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए सारा बाजार खरीद के रख दूंगा। सच मौसा जी? बेटा, मैं कहता था ना कि तुम अनाड़ी हो, गिरा दिया ना मेरी नेकर पे तेल। गलती हो गई मौसा जी, मुझको माफ कर दीजिए। आप उठिए, मैं नेकर उतार दीजिए, मैं धो देता हूँ। उठिए उठिए। ये क्या करता है? बेटा लेकर। मौसा जी, मैं अभी धो देता हूँ। अच्छा बेटा, दो चार कपड़े और हैं, नेकर के साथ इन्हें भी धो देना। तेरी मौसी बहुत आलसी है बेटा, कल मुझे कचहरी जाना है और मेरे पास कोई साफ कपड़ा नहीं। अरे मौसा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे कपड़े धो देता हूँ। बेटा, तीनों पाल से अच्छी तरह साफ करना है। तीनों पाल? मौसा जी, मैं तो रामपाल को जानता हूँ, अपने गाँव में पंसारी की दुकान करता है ना। अरे बुद्धू, तो कुछ भी नहीं जानता, मेरा मतलब है कि जरा अच्छी तरह से साफ करना है। अच्छी तरह जाना, रक्षा करो प्रभु। क्यों रे बिरजू, ये कपड़े लेकर कहाँ जा रहा है? धोने जा रहा हूँ मौसी, कल मौसा जी के पास कचहरी जाने के लिए कोई साफ कपड़ा ही नहीं। अच्छा, तो दो चार साड़ी मेरी भी धो देना, कल रात से मेरी कलाई में मोच आई हुई है। तो ला मौसी, पहले तेरी कलाई में मालिश कर दूँ। नहीं नहीं, फिर साड़ी यही धो कर ला। बुजुर्गों की सेवा करने से फल मीठा मिलता है। बैठ जा नीचे, बैठ जा। ये साड़ी, ये चद्दर, अरे जाता कहाँ है, थोड़े से कपड़े और साबुन लगा करके धोना। हाँ? अच्छा, ये ले, और बाद में नील भी लगाना। अच्छा, ये ले, ले। माँ वारी, माँ सच के, जा, जा। अच्छा हुआ ये बांगड़ू आ गया, नहीं तो कपड़े धो धो कर मेरे हाथ दुखते थे। हाय राम, अब फिर सुखा सांस लूंगी। हाँ, ए बारो, बारो। क्या रे, क्यों चला रहे? ए, मुँह से जा, तू तलाक मत कर, देखती नहीं कपड़े कितने मैले हो गए हैं। मौसा जी ऐसे कपड़े पहन के चली जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। निकाल साबुन और धो डाल सारे के सारे। देख,
मेरा काम कपड़े धोना नहीं, पक्का खाना बनाना और सबको परसना है कि ऊपर के सारे काम तेरे हैं। ऊपर के सारे काम तेरे हैं, जानती नहीं मौसा जी ने इस घर का कार मुख्तार मुझे बनाया है। मेरी बात नहीं मानेगी तो नौकरी से छुट्टी करा दूंगा। अरे बारे, बड़ा मुकदम बनता है। देख मैं सीधों के साथ सीधी हूँ और टेढ़ों के साथ टेढ़ी, ज्यादा रुबाब दिखाओ तो। बाप रे, अरे शहर की औरतें तो महासफाई भी करती हैं। माफ कर माफ कर, मैं खुद ही धो लेता हूँ। अरे वाह मौसी, खाना दाल सब्जी खीर, बड़े जोर की भूख लगी थी। अरे बिरजू ये मेरी कुर्सी है, उठो यहाँ से। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे बेटा कुछ तो बुजुर्गों की इज्जत करना थी, मेरी कुर्सी पर बैठ गया। मौसी मौसी, मैं कहाँ बैठू? अरे बेटा चलो पर्ची तो देना। ये लो। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है, खाना कभी देखा नहीं है क्या? मम्मी ये सिर्फ गुड़ गुड़ देखेगा तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। बिरजू तू ऊपर छत पर जा, कपड़े सूख रहे हैं पैक करके रख दे, जा। ए, नहीं तुमने मम्मी एक तो पहले इस घर में तोता पर ही पाल रखी थी, वो बस ये बांगड़ू आ गया। दिस इज होम और चिड़िया घर। बेटा खाना खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करते। ओके मदर। जमाना नहीं, ये पारो जो है ये तो अपनी तनख्वाह वाली नौकरानी है, लेकिन अगर तुम लोग बिरजू के साथ अच्छा सलूक रखोगे तो जिंदगी भर वो बगैर तनख्वाह के यही टिका रहे। सबकी थाली में से रोटी इकट्ठी कर और जाके ऊपर बिरजू को देकर। लेकिन साग भाजी तो कुछ भी नहीं है मम्मी। अरे तो थोड़ा सा नमक दे दे। अच्छा दाल सब्जी खीर कुछ नहीं लाई? दाल सब्जी खीर सब खत्म हो गई है, नमक के साथ ही खा लो।
दाल और रोटी खाली। अरे खा लेना। नहीं ये तेरे हिस्से की है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या मर जाऊंगी? ये खा ले। बिरजू महाराज सब्जी के बिना खाना नहीं खा सकते। घास डाल लिया होता उसके आगे। देख बिंदु, वो बिल्ली का झूठा दूध पड़ा है ना, वो दे दे उसको। मम्मी तुम उसे बिल्ली का झूठा दूध दोगी? अरे हाँ पगली, बिल्ली का झूठा दूध पी कर के ही तो आगे पीछे वो म्याऊ 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 करता फिरेगा। शहर से तो कुछ झूठे होते हैं, जहाँ से आया है वहीं चले जा। अरे मैं किससे बात कर रही हूँ? देख तू यहाँ नया नया है, तू इन लोगों को नहीं जानता। मैं इस घर की एक एक ईंट को पहचानती हूँ। मान जा मेरी बात और अपने गाँव वापस चला जा। गाँव जाके क्या करूँगा? थोड़ी सी जमीन थी वो तो मौसा जी ने 10 बरस पहले ले ली। कह लगे यहाँ फैक्ट्री खोलूंगा और इसके बदले में शहर में तुमको दुकान खुलवा दूंगा। इसी आज पे तुम यहाँ आया हूँ और तू बोलती है कि मैं गांव वापस चला जाऊँ। ले माँ ने तेरे लिए दूध भेजा है, आज इसी से रोटी खा ले। क्या मौसी ने मेरे लिए दूध भेजा है? पारो देखा मौसी मौसा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दाल सब्जी खत्म हो गई तो दूध भेज दिया, मुझे तो पहले ही मालूम था। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे दुकान भी खुलवा के देंगे और तू बोलती है मैं गांव चला जाऊं। क्यों? मुझे क्या मालूम हिंदी शायरी क्या चीज होती है। श्याम दूसरी ट्यून सुनाता हूँ। संगीत सभा हो रही है। यस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, गाना बजाना। तब तो ठीक है, मुझे भी गाना बजाने का बहुत शौक है। अच्छा तुझे भी गाना आता है क्या? हाँ मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। हमारे गांव में एक नाव वाला जब भी नदी पार करता यही गाना गाया करता था और मैं हमेशा किनारे पे खड़ा होकर उसका ये गाना सुना करता। राम ब्रदर हो जाए, विलेज ट्यून फोक सॉन्ग हो जाए शुरू हो जाओ। गाऊं? हाँ बिल्कुल गाऊं, तब तो ठीक है। प्यार कहाँ रहता है? उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है दिल में दर्द जहाँ रहता है। उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है दिल में दर्द जहाँ रहता है। फिर प्यार करें क्यों लोग, प्यार की खातिर क्यों लें जो? तो एक नन्नी मुन्नी सी चिड़िया प्रेमी के कानों में कह गई।
भगवान ये कहता है प्यार बिना ये जग खोटा है, खुद भगवान ये कहता है। एक प्यार करने वाले, एक प्यार करने वाले से ये पूछा कि प्यार कहाँ रहता है। उड़ता उड़ता एक पंछी बोला रे पगले वहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है, दिल में दर्द जहाँ रहता है। अरे बच्चों तुम्हारा दिमाग खराब है, नौकरों को मुंह लगाओगे तो घर का काम काज कौन करेगा? सॉरी मदर, वी आर वेरी सॉरी। बिरजू बिस्तर लगा दिया ना बेटा? हाँ मौसी देख लो। जी तारा बड़ा होनार बेटा है, क्या तू सो जा। अच्छा मौसी ना अरे तेरा खैर खैर, ले पानी के ग्लास में रख देना। मौसी ये क्या है? अरे बेटा ये मेरे दांत है। दांत? हमारे गांव में से एक दांत निकालना हो तो कितने बैठ आते हैं, पर तुमने एक ही झटके में सारे निकाल दिए। अरे बेटा तू नहीं समझेगा, ये शहर के दांत है। जाए सब पानी के गिलास में लग दे। अच्छा मौसी। अच्छा सुबह दूध वाला घंटी बजाएगा, दूध ले लेना, मेरी पूजा में बाधा पड़ती है, समझ गया ना? अच्छा शहर के दांत। समझे समझे ले लो। एक बोल। अरे भैया जी इसमें तो पानी है, मैं गांव का रहने वाला हूँ सब समझता हूँ। कहा खाता है पानी है? अरे भोले बादशाह जो देता है चुपके से ले ले, तेरे मौसा ने 3 महीने के इसके पैसे नहीं दिए। सुन लिए बेटा, अब तनी अपने मौसा जी को याद याद देना, फोकट में पानी नहीं सबका भंस मिली। ओ पार वाले भैया जी, मौसा जी ने दूध वाले के पैसे नहीं दिए तो तुमने भी तो 11 महीने का दुकान का किराया नहीं दिया। अच्छा तो पांडे ने तेरे काम भी भर दिए? अरे बेटा 3000 पेशगी दिए हैं पेशगी, और सिर्फ इस शर्त पर कि हर महीने किराए में कटेगा, और अब कहते हैं कि वो पेशगी नहीं पगड़ी थी। पगड़ी? पगड़ी? की पगड़ी बांधते हैं? अरे बेटा तू इन बातों को नहीं समझेगा, जा जल्दी से तू तो डर जा। जवार सही का भजोरे मन कृष्ण राम का नाम, भजोरे मन जन कर प्राणी तेरी लंबी रे जिंदगानी। लग अरे शहर की तो गंगा ही उल्टी है, नौकर भी मालकों की तरह करते हैं। मौसा जी को चाय देनी है, मौसी जी को चाय देनी है,
चूल्हा जलाना है, दूध गर्म करना है, सूरज सर पे आ गया और नौकरानी का अंतर पता ही नहीं। ए, क्या बड़बड़ कर रहा है? चूल्हा फूकना तेरा नहीं मेरा काम है, चलो ना घास ले और माचिस लेके आ। अरे वाह, एक तो देरी से आती है ऊपर से हुक्म चलाती है। आज तक मालिक ने मुझे ऐसा नहीं कहा, तू कौन होता है रे? देख पारो, कान खोल कर सुन ले, मैं मौसा मौसी का खास भांजा हूँ, खबरदार मुझे अपने जैसा नौकर चाकर समझा तो। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होता है? तेरी खुशी के लिए मैं कभी कभी तुझे बिरजू सेठ के दिया करूंगी। बिरजू सेठ? तब तो ठीक है, अब और क्या करना है? अब जल्दी से तरकारी काट दे। कर देता हूँ। मेरी तो उंगली कट गई। अरे ये क्या किया तुमने? जरा सा घाव था, तुमने अपनी धोती को फाड़ दी। तो क्या हुआ, तेरे से ज्यादा चाहिए साड़ी अच्छी है, मेरे पास नहीं तो घाव लगा है तुझे। बेटो, ओ बेटो! आया भैया। हाँ भैया, ले लो दादा, जाओ और मेरे लिए टूथ ब्रश लेके आओ। टूथ ब्रश? अंग्रेजी दातुन। अंग्रेजी दातुन? बिजू, इसी पैसे में से मेरे लिए भारत ब्लेड लाना। भारत ब्लेड? दाढ़ी बनाने वाला भारत ब्लेड। भारत ब्लेड? भारत ब्लेड? भारत ब्लेड? भारत ब्लेड? भारत ब्लेड अंग्रेजी दातुन। हाँ हाँ, ये ले भारत ब्लेड और ये अंग्रेजी दातुन, निकाल रोकना। अरे अरे अरे, ये बाकी है, बाकी भैया ये लो अपना सामान और ये 2 रुपया अच्छी पैसा बचा है। अरे सुन, 1 रुपया ये ले, जाके बाजार से काली बिल्ली बूट पॉलिश ले। क्या लाएगा? काली बिल्ली बूट पॉलिश। काली बिल्ली बूट पॉलिश? काली बिल्ली बूट पॉलिश? ये गॉट नो ब्रेन ब्रदर। तुम बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए एक लाल रंग की रिबन लेके आना। लाल रंग की रिबन? काली बिल्ली लाल पॉलिश? काली बिल्ली लाल पॉलिश? काली बिल्ली लाल पॉलिश? भैया जी, अरे जी हूँ, क्यों अपनी जान को हकार कर रहा है? एक बार पूछ के आपकी जगह जाइए। काली बिल्ली लाल पॉलिश? काली बिल्ली पॉलिश लाल रिबन? हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये मेरे पास नहीं है, वो सामने वाली दुकान में जा। अच्छा, काली बिल्ली लाल पॉलिश? काली बिल्ली पॉलिश लाल लाल रिबन? काली बिल्ली पॉलिश लाल लाल रिबन? अरे खत्म भाग लगा, मैंने सारे घर की सफाई कर। सफाई? हाँ। एक काम करता हूँ, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, सज के सब संसार। तेरे मौसा जी सुंदर पान वाले से केस जीतकर कचहरी से अभी आ ही रहे होंगे। अभी ला ले, आ ही रहे हो तो बधाई हो। अरे चली जा रे, बधाई को बिरजू बेटा, जाके देख कहीं मुके है तो नहीं। अभी जल्दी देख। अरे कौन है अंदर? अंदर कौन है? कोई नहीं। सुंदर से केस जीत गए ना? अरे यहाँ चम्मच मुंह जाने निकल रहा है, तुम्हें केस की पड़ी है? पता नहीं अंदर खाली है। खाली? मौसी, सफाई करते करते मैं ही रख दिया था। कितना कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया। कितनी अच्छी जोड़ी थी, अब मैं इसे भी मत तोड़ देना। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, दोनों गुलदस्ते तोड़ दिए। मम्मी है राम सादे, देख का काम क्यों नहीं करता? अंधा हो गया क्या? कमीने, तेरी हड्डी पत्ती एक का टुकड़ा। बोल, ऐसा कमीना फिर से बोल। अरे अरे अरे, आज तेरा भाई है बिरजू, बुरा मत मारना बेटा, बुरा मत मार। उठा ये कांच के टुकड़े और नीचे गले में फेंका। राम चल तू मेरे साथ। Thank you.
अरे ये मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तेरे मौसा ने सोख बनाने के लिए कहा है? सोख? सोख क्यों बनाएंगे? अरे अरे तुझे बताया नहीं? अरे आज मैंने तेरे मौसा से मुकदमा जीत लिया है। बोल कौन सा पान खिलाऊं, बनारसी या कलकत्ता? मैं पान नहीं खाता भैया जी। अच्छा तो ले इस तौफीक से मुंह मीठा कर ले। मौसा जी नाराज होंगे। मौसा जी नाराज होंगे? ले खोल वो। शाबाश। अच्छा अब ये बता कि तूने बंबई शहर में क्या क्या देखा? शहर देखा ही कहाँ है, बस मौसा जी का घर, ऊपर छत और ये गली। तेरे मौसा को अरे ओ बिजू के बच्चे, नीचे क्या गप्पे मार रहा है? ऊपर आके मेरे जूते पॉलिश कर। आया था भैया आया। कान खोकर सुन ले, मौसी ने कहा है कल सवेरे हलवा पूरी और आलू का साग बनेगा। अरे जो तू खरीदी करके लाएगा वही बनाऊंगी, लेकिन जितनी देर था कहाँ? क्या करूँ, और राम और शाम भैया ने कहा हमारे जूते चमकाओ, मेरी उंगली कट गई है ना तो धीरे धीरे चमका रहा। अच्छा आप जल्दी से खाना खा ले, मुझे भी अपने घर जाना है। अच्छा पारो तेरा पट्टी खोल दे, रोटी खा लो। अरे पट्टी खोलेगा तो जख्म पे नमक मिर्ची लग जाएगी। तो फिर खाओ कैसे? अच्छा मैं तुझे खिलाती हूँ। अरे तू मुझे अपने हाथ से खिलाएगी? अरे तेरा हाथ जख्मी है, मैंने थोड़ी सी तेरी मदद कर दी तो इसमें क्या हुआ? ये ले खा ले। दाल कैसी है? दाल तो बहुत अच्छी है, तो मौसी कहती थी इसमें नमक ज्यादा। अरे उसको तो हमें क्या बर्बर करने की आदत है। ये ले भाजी के साथ खा के दे। मानो जब मैं छोटा सा था एक दिन पतंग की डोर से मेरी उंगली कट गई थी, मेरी माँ ने ऐसी मोटी सी पट्टी बांध दी थी, फिर इसी तरह अपने सामने बिठा के अपने हाथों से खाना भी खिलाया। तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती थी? हाँ बहुत प्यार करती थी, बचपन से ही मेरे बारे में सपने देखा करती थी। हमेशा कहती थी जूजू बेटा तेरे लिए बहुत सुंदर सी बुनन लाऊंगी। नीचे घराने से नन्नी मुन्नी सी गुड़िया जब वो पायल बांध कर आंगन में छमछम करके चलेगी तो पायल की छमछम से सारा घर गूंज उठेगा, मगर मगर बेचारी के सपने पूरे ना हो सके। मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर भी तू ब्याह तो करेगा ना? तुझे दुल्हन के साथ देखकर तेरी माँ स्वर्ग में बहुत खुश होगी, तुझे आशीर्वाद देगी। सच? हाँ तब तो ठीक है, मैं जरूर शादी करूंगा। कैसी होगी रे तेरी दुल्हन? अरे पबली ये भी तो पूछने की बात है, जैसी माँ कहा करती थी सुंदर सी ऊंचे घराने वाली। पारो कर तो ली। पारो इधर बैठ गई, ले पकड़ में आ, मैं भी आता। अच्छा मैं खुद ही आ जाता। पट्टी खुल गई तो मैं क्या करूं? अरे तू नाराज हो गई क्या? मैं क्यों नाराज होने लगी, मैं तेरी लगती ही क्या हूँ? हाँ लगती तो कुछ भी नहीं। फिर क्यों बैठा है मेरे पास? रोज ही तो बैठता हूँ, देख मेरी उंगली से खून निकलने लगा, बांध देना पट्टी। जा अपनी मौसी से कह वो बांधेगी पट्टी। मौसी नहीं बांधेगी, वो तो कहेगी मैं बांधना करता हूँ, काम चोर हूँ, वो सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक तू ही तो है जिसको अपना समझता हूँ और तू भी नाराज होगी। अच्छा मैं खुद ही बांध देता। इस तरह पट्टी बांधते हैं क्या? वाह मैं ही बांध देती हूँ। पारो तू सचमुच बहुत अच्छी है, मैं कई दफा सोचता हूँ इतने बड़े शहर में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अगर तेरा तो कोई ना कोई जरूर होगा। रोटी किसके लिए लेके जाती है? मेरी पड़ोस में एक अंधी बुढ़िया रहती है, आधा उसे खिला देती हूँ आधा मैं खा लेती हूँ। और तेरे माँ बाप बहन भाई? मेरा कोई भी नहीं। तेरा पति भी नहीं? तेरी शादी नहीं है क्या? शादी हुई थी जब मैं 6 बरस की थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि ढोल बजे थे, शहनाई बजी थी, लड्डू पेड़े बटे थे गांव भर में। मेरी माँ ने मुझे लाल जोड़ा पहनाया था, अच्छे अच्छे गहने पहनाए थे, खूब सजाया था मुझे, मैं बहुत खुश थी। गांव भर में कूद कूद कर कह रहे थे कि आज मेरी शादी होगी, आज मेरी शादी होगी। रात को बारात आई,
मुझे दुल्हा के साथ बिठाया गया। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन लेकिन मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह माँ ने मुझे जगाया, वो रो रही थी, कहने लगी उठ, ये लाल जोड़ा उतार और अपने पुराने कपड़े पहन ले, अब तो विदा हो गई है। और मुझे गले से लगा कर फूट फूट कर रोने लगी। और अब कहाँ तुम्हारी माँ? मेरी ब्याह के कुछ दिनों बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। लोग ताने देने लगे, कहने लगे तुम मनहूस है, पहले अपने पति को खा गई और फिर अपनी माँ को, और तो कोई था नहीं मेरा, इसलिए मैं गांव छोड़कर शहर आ गई। अभी मैं घर में काम करती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। बिरजू, अरे ओ बिरजू, ओ बिरजू के बच्चे, क्या है भैया? भैया के बच्चे, तुमसे कितनी बार कहा कि रोज रात को सामान सिगरेट वाले के यहाँ से सिगरेट की पैकेट लाके यहाँ रख दिया कर। लेने गया तो था, मगर उसने दिए नहीं। आपका नाम सुनते मुझे काटने को दौड़ा, कहता आ जाते हैं मुफ्त को, पहले छह महीने के पैसे दिए नहीं, ऊपर से सिगरेट मांगते। अबे हो लोटन कबूतर, जब उसने पैसे मांग ही लिए थे तो तुम्हें अपने जेब से दे देने थे। मेरे पास कहाँ है पैसे? मुझे बेवकूफ बनाता है क्या? सब्जी भाजी में से तू पैसे नहीं खाता? देखो भैया, मेरा अपमान मत करो, मैं चार आने की चीज लाता हूँ तो चार आने का हिसाब देता हूँ। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, एक तो हमारे घर का माल खाता है, ऊपर से धौंस जमाता है। देखो भैया, ज्यादा डांटी मत दो, गांव में बेईमान लोग नहीं होते, शहर में होते होंगे। हाँ क्या कहा? शहर के लोग बेईमान होते हैं, इसका मतलब कि हम बेईमान हैं। तेरी ये हिम्मत, मैं बेईमान हूँ? चले कमीने, भाई खाता है में से पैसे चोरी करता है और ऊपर से मुझ पर धाव जमाता है। मैं जब से इस घर में आया हूँ मेरी रोज पिटाई होती है, कोई कहता मैं काम चोर हूँ, कोई कहता मैं चोरी करता हूँ, ऐसे ही है तो मैं अपने काम चला जाता हूँ। आपका आपका शहर मुबारक। अरे बिरजू बेटा, अगर भाई ने भाई से कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटा? देख शाम के बच्चे, खबरदार जो फिर कभी मेरे बिरजू पर हाथ उठाया। He goes back to village. What about free service? देखा बेटा, अंग्रेजी में जाता है इसको। What a damn fool you are. बेटे, अब ये भी अंग्रेजी में माफी मांग रहा है तुझसे, इसलिए तू भी माफी मांग। शाम भैया, मुझे माफ कर दो। ये ले, ये 10 पैसे हैं, और नीचे से जाकर 120 नंबर तंबाकू और कच्ची सुपारी वाला पान ले मेरे लिए, मगर देख वो जो अपना पान वाला है ना उससे नहीं लेना, वो अगले नुक्कड़ पर जो है वहां से ले आना। 120 नंबर तंबाकू सुपारी, कच्ची सुपारी 120 नंबर। जमाना खराब है बेटे, जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, समझे? तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं लेना, इसलिए दूसरी दुकान पे जा रहा। अरे तेरे मौसा जी, मेरी दुकान से कुछ नहीं लेंगे तो मेरी दुकान क्या बंद हो जाएगी है? अच्छा ये बता कि तेरी दुकान का क्या हुआ? मौसा जी ने वचन दिया है तो जरूर खुलवा देंगे। अच्छा सुन 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 सुन, आज चंपा गली में दुकान खाली हुई है, 1000 रुपया पगड़ी मांगता है, मेरी जान पहचान वाला है, मैं 100 रुपया कम करा दूंगा, बोल चाहिए। सचमुच पान वाले भैया,
तुम मुझे दुकान दिलवा दोगे? अरे हाँ हाँ दिलवा दूंगा, तू माल लेकर जल्दी तो आ। माल हाँ। कितना? 900 मोसा जी, मोसा जी, तुमने ऐसे आदमी की बात ही क्यों मानी जिसने तुम्हारे मौसा को अदालत में खींचा, बेइज्जती की? मैं पूछता हूँ तुमने उससे बात क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं करता मौसा जी, मैं तो तुम्हारे नंबर याद करके जा रहा था, उसने मुझे आवाज दी, मैंने उसे कहा भी, मौसा जी बोलते हैं तुम अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन जब उसने मेरी दुकान की बात की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा मैं अच्छी तरह समझ गया, आजकल मैंने उससे पान तंबाकू लेना बंद कर दिया है ना, इसलिए अब उसने तुमको उकसाना शुरू किया है। लेकिन बेटा तुम मुझसे बोल ना, तुझे कहाँ ही दुकान करनी है? मौसा जी राशन की दुकान कहते हैं, बहुत मुनाफा होता है। बेटा राशन की दुकान करा के मुझे अंदर कराना है, है? तुझे मालूम नहीं कि राशन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है? तो फिर मिठाई की दुकान खोल लेंगे। अरे पर बेटा मिठाई भी तो तुम्हें बनानी नहीं आती, कहीं भट्टी में गिर कर मर गए तो? आप बोलो ना, मैं तो दुकान खोल के नहीं देना चाहते। अरे बेटा तुम गवारों जैसी बातें करते हो, हैं? अरे बेईमान, मैं तो तेरे भले की बात करता हूँ और ऊपर से जबान चलाता है, मैं कहता हूँ उठा गड्ढा और डाल दे धूप में, बहुत खत्म हो गया, ले जा। अच्छा बेटा सुंदर, अब इस शहर से जी भर गया है, विचार करता हूँ अपने गांव वापस चला जाऊँ। राम कसम, पहली बार अकल की बात की है तूने। मैं जानती हूँ तेरा गांव में कोई नहीं, मगर इस घर में भी कौन है तेरा? जिनको तू सगा समझता है वो तुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं कहती हूँ अगर तुझे जाना है तो अब भी चला जा, वरना एक दिन अपमान के साथ निकला जाएगा। तो क्या तेरी भी यही मर्जी है मैं गाँव वापस चला जाऊँ? मेरी मर्जी वो तो मैं ही जानती हूँ, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। वो तो ठीक है, मगर गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? बड़े बड़े बोल बोल कर आया था तो शहर में जाके दुकान खोलूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा, मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। बिज्जू निराश मत हो, देख तुझे दुकान खोलनी है ना, मैं देती हूँ पैसे। क्या तू मुझे पैसे देगी? हाँ, दो वक्त की रोटी तो मैं यहाँ खा लेती हूँ और तनख्वाह बचाकर मैंने 350 रुपए जमा किए हैं, तू ले ले और चालू कर अपनी दुकान। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझसे पैसे लूं, एक औरत से पैसे लूं? फिर वही रहा ना काट का उल्लू, अरे मेहनत पसीने की कमाई है, व्यापार धंधे में लगाएगा तो खूब फले फूलेगा। पारो मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मुझसे ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। क्यों जी, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर सुंदर पान वाले से मुकदमा कैसे हार गए? अरे हारा नहीं हूँ भगवान, मुकदमा अब शुरू हुआ, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अगर उस सुंदर को फुटपाथ पर न बिठा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, समझी? ये क्या मौसा जी, कहां सुना माफ कर देना, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्या तू गांव जा रहा है? हाँ मौसी, आपका शहर मुझे रास नहीं आया। अरे पर बेटा गांव में अब तुम्हारा है कौन, न माँ है न बाप है, आखिर गांव में जाके करोगे क्या? मैं अपने गांव की मिट्टी में भूखा मर जाऊंगा, मगर अब यहाँ नहीं रहूंगा। सुन रही हो, भूखा मर जाएगा,
अरे बेटा, मैं तो समझता था कि शहर में आके तू सयाना बन गया है, लेकिन तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहा। दुनियादारी बिल्कुल मालूम है नहीं। बेटा, मैंने तेरी स्वर्गवासी माताजी को वचन दिया था कि तुझे इस शहर में दुकान खुलवा दूंगा। अगर मौसा जी, वचन तो वो जो पूरा किया जाए। बेटा, रातों रात महल नहीं बन जाते, हर बात में समय लगता है, समझे? और फिर भी अगर तुझे शंका है तो ये समझता है कि मैं वचन दे के मुकर रहा हूँ, तो बेटा ये ले चराने बनिए के हाथ से जहर ला के दे दे मुझे। पहले इस घर से मेरी लाश उठेगी, फिर तू जाएगा। मौसा जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बेहाल में गया मौसा, अगर तू मुझे अपना समझता तो आज ऐसी बात कहता? अरे बिरजू, मैंने तुझे सदा अपनी औलाद की तरह समझा, तो जब अपनी औलाद ही माँ बाप का अपमान करने लगे तो ऐसे सीने से मर जाना अच्छा। नहीं मौसा जी, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप पे शक किया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, जब तक आप जिंदा है मैं अपने गाँव नहीं जाऊँगा। अरे माफ कर दो, आखिर अपना ही तो बच्चा है, जरा सी भूल हुई तो क्या माफ? तुम कहती हो तो माफ कर देता। उठो बच्चों, उठो बेटा, उठाओ अपना सामान और ले जाओ छत पर। मैं कल ही चर्च गेट में तुम्हारे लिए अच्छी सी दुकान ढूंढता हूँ बेटा, अच्छी सी दुकान। अच्छा माता जी, अच्छा अच्छा। देखा भगवान, जिंदगी में ड्रामा तुमने भी बहुत किया होगा, लेकिन मैं भी किसी एक्टर से कम नहीं हूँ। समझी समझी। ये कोई राम श्याम आ जाएगा।
बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। सुंदर भैया मेरे बच्चे को। भाई मैं बता रहा हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, 5 मिनट में दौड़ने भागने लगेगा। अरे भाई आप किस लिए खड़े हैं? तेरी तेरी बेटा भगवान तुझे सुखी रखे, तूने विधवा माँ के बच्चे को बचा लिया, मेरे पास और दो कुछ नहीं, ये 1 रुपया है, आज दिवाली की ना मिठाई का लेना, बेटा ले 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 मेरे बच्चे ले ले, मुझे नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल ले ले, आज के दिन आई हुई लक्ष्मी को वापस सही कर दे। भगवान तुझे सुखी रखे, आयु लंबी करे भगवान। मगर पान वाले भैया, अगर मैं 1 रुपया अपने पास रखूंगा तो राम और श्याम कहेंगे शायद मैंने चोरी की है, तुम अपने पास रखो। अरे अच्छा ला, ला, इसके बदले मैं तुझे लॉटरी का टिकट देता हूँ, ये ले, इसे संभाल के रखना, बेटा नंबर लग गया तो राजा बन जाएगा राजा। जा, जा। इतने बरसों से मैं छत पर अकेली दिवाली मनाया करती, आज ये पहली दिवाली है, हम दोनों साथ हैं। अकेला ही समझ पा रहा हूँ। क्यों? एक तो और एक मैं, हो गया ना दो। मैं तो कब का मर चुका हूँ। देख धूप का दिवाली के दिन ऐसी बातें करता है। अच्छा देख, दिन त्योहार को लोग सगे संबंधी को कुछ न कुछ फेंक देते हैं, तो मुझे क्या देगा वो? तू तो जानती है मेरे पास कुछ नहीं पा रहा, होता तो जरूर देगा। अच्छा बाबा, जानती हूँ तेरे पास रुपये पैसे नहीं है, मगर तू मीठे बोलते है वो तो दे सकता है। मीठे बोलों से क्या पेट भरता है? अगर मेरी दुकान होती, 4 पैसे की कमाई होती तो राम कसम तो जो कुछ कहती मैं तुम्हें दे देता। अगर तुम्हें किसी कुछ देना भी चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। अरे अरे अरे, अजीब आदमी है, मैंने दिवाली के दिन तेरा दिल बहना चाहा और तू रोने लग गया। अरे पगली, हम गरीबों को तो रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, दिन त्योहार को झूठी हंसी हंस लेते हैं। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? खोल कर देखे। नई कमीज, नई धोती। हाँ नहीं तो क्या, दिवाली के दिन कोई फटा पुराना देता है। क्या दुनिया है राम जी, जो दे सकते हैं वो तो कुछ देते नहीं और जो नहीं दे सकते। बस बस ज्यादा मत का मत मार, जा पहन करा। कल पहन लूंगा। फिर दिवाली आज है और नए कपड़े कल पहनेगा, जा पहन करा। जरा मैं भी तो देखूं कि नए कपड़े में मेरा दुजू कैसा लगता है। जाओ ना। सुंदर पान वाला है ना, उसने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था और कहता था इसके बदले में बहुत पैसा मिलेगा, ले तो अपने पास रख ले। नहीं, इसे तो अपने पास ही रख, शायद इसी से तेरे भाग खुल जाए। अरे वाह, और देख मत कहना कि नए कपड़े मैंने खुद ही दिए हैं। हाँ जब तूने दिए हैं तो क्यों ना कहूँ। जब तो कुछ समझता ही नहीं है तो मैं तुझे क्या समझाऊंगा। जब सुनोगी कि कौन आ रहा है तो खुशी से पागल हो जाओगी। पागल पागल तो मैं वैसे ही हो गई हूँ, कान खोल कर सुन लो, मेहमानों की खातिरदारी मुझसे नहीं होगी, उन्हें लिख दो बल्कि तार ही दे दो, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, वो अपने भानु प्रसाद शर्मा है ना, वो अपने बेटे के साथ अपनी बिंदु की शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं और अगले शुक्रवार को बिंदु को देखने आ रहे हैं। तो पहले मैं क्यों नहीं बताया।
जल्दी से लाल बनारसी साड़ी पहन ले और देख सबसे पहले उनके पांव छूना। अगर वो कुछ पूछे तो बड़बड़ मत करना, शर्मा जाना। मुझे शर्माना नहीं आता मम्मी। नहीं आता तो देख मेरी तरफ, देख। समझी? अब जल्दी से तैयार हो जा। बिजू भैया। हाँ? क्या है? मेरा छोटा सा काम कर दोगे? क्या काम? वहाँ नीचे एक लड़का खड़ा है, उसे ये चिट्ठी दे आओ। लड़का? कौन सा लड़का? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो देखो वो लड़का। हे ठीक बात। आस्ते बोलो बाबा। अच्छा लो, चुपके से ले जाना, देखो किसी को पता ना चले। और मुझे पता चल गया था? तुम्हारी बात और है। अच्छा सुनो सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे छुपा के ले जाओ। अच्छा 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 अच्छा। अबे ओ बीजू इधर, ये कुछ अंदर लिया। नहीं भैया मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे जरूरी काम के बच्चे, पहले मेरा काम कर। और ये फूल गुलदान में रख देना अच्छी तरह, समझे? अच्छा अच्छा। जल्दी से बर्फ ले, बाथरूम से धो के ला। अच्छा चल। ओहो क्या हो गया हिंदुस्तान को, यहाँ बर्फ भी आइसक्रीम का भाव दिखता है। ओहो किस बेवकूफ ने चेहरे यहाँ रखी। दिस इज नॉट द वे, दिस शुड बी हियर एंड दिस मैगजीन, ओल्ड ब्लडी मैगजीन, दिस शुड बी हियर। अरे बेटा अपने फूल वाले से जरा फूल तो ले आ। यस मम्मी व्हाई नॉट, आई विल गेट सून। क्या है? अभी तक वो चिट्ठी दी क्यों नहीं? चिट्ठी? वो तो गुम हो गई। गुम हो गई? हाय राम अब क्या होगा, मुझे तो मार पीटे की तरह बेड़ा गर्क हो सकता है ना तो तेरा। कम ऑन मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा मेरा छोटा बेटा श्याम। सच कहता हूँ शर्मा जी, ये तो बिंदु का भाग्य है कि आप जैसा घराना मिल रहा है उसे। बिल्कुल आप ही लोगों जैसा स्वभाव है उसका। बहन जी आजकल की लड़कियों जैसी आदतें तो है ही नहीं उसकी, बड़ी शर्मीली है। सीधी सादी भोली भाली, सारे घर का कामकाज वही करती है, मुझे तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देती। क्यों जी ठीक है ना? देखता हूँ माने जी, वो तो सब ठीक है जी, मगर लड़की की जन्म कुंडली तो मंगवाइए ना। कुंडली बेटा जन्म कुंडली? वो देखिए मैं अपने बेटे सतीश की जन्म कुंडली तो नहीं ला सका, ना जाने कहाँ रख दी थी। उसका राशि फल लाया हूँ, हो सकता है कि इससे काम चल जाए। भगवान चलाएगा, भगवान चलाएगा शर्मा जी।
अरे पांडे जी, आपकी लड़की की जन्म पत्री मिलने से पहले उसका प्रेम पत्र मिल गया है। क्या प्रेम पत्र? जी हाँ प्रेम पत्र। सुनिए, आपकी बेटी ने क्या प्यारे प्यारे शब्दों में अपने प्रेमी को लिखा है। मिस्टर शर्मा, फिर जन्म पत्री। अरे मारो बड़ी जन्म पत्री को, पहले मुझे ये प्रेम पत्री पढ़ने दो। लिखती है, मेरे प्यारे रमेश, मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती करना चाहते हैं। आज मिलना मुश्किल है, कल कॉलेज जाते समय तुमको सारा किस्सा सुनाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी अपनी बिंदु। ओहो शर्मा जी, आप गलत समझे। वो मेरा बड़ा बेटा राम है ना, वो फिल्म के लिए कहानियां लिखता है, तो ये उसकी कहानी का एक डायलॉग है। क्यों लाजवंत जी? हाँ हाँ, रात को उसने मुझे भी सुनाया था। देखिए बहन जी, अपनी बेटी की करतूतों में पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। कहानी कैलेंडर के बाद बड़ी लिखी जाती। अरे ये चिट्ठी आपको कहाँ से मिली? मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, लाइए मुझे दीजिए। ए ब्रिजू, जल्दी जा, संजीव साहब के लिए 500 परी लेकर आ। अच्छा नहीं, बताइए चिट्ठी किसने दी थी तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं बेटा कि ये राम की कहानी का संवाद है। अरे किसने दी थी ये चिट्ठी? बिंदु ने। तुझे शर्म नहीं आती? जो नहीं आता तब देता है। शर्मा जी, ये बिंदू है, जवान है। अजी भाई साहब, इसको तो चाय और कॉफी की भी तमीज नहीं, फिर ये क्या जाने चिट्ठी है या फिल्म का डायलॉग। आप चुप रहिए जी। हाँ तो बेटा, किसको देने के लिए कहा था? वो चीख मारने वाला लड़का है ना, जिसकी पटपटी पैर के बिंदु वाल पढ़ने को जाती है, उसका मुझे कुछ नहीं मालूम। अजी सुन लिया, ऐसे बेशरम खानदान में फसले थे भगवान ने हमें बता दिया। उठो सती सीमा, ऐसे घर का पानी पीना भी हमारे लिए पाप है। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप आराम से संतरे खाइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। Thank you.
मम्मी वन फ्रॉम माय साइड। ये ले इसका। अरे मम्मी मेरी ओर से भी एक। ये ले इसका। मम्मी मेरी ओर से भी एक। ये ले बिंदु की तरफ से। ये ले। अबे अंदर क्या देख रहा है? ये ले। सौ का पत्ता। अबे आहिस्ता बोल तेरी माँ सुन लेगी। देख बिरजू को ले जा साथ में और उसकी ऐसी खातिर कर। यू डोंट वरी डैडी। देख बेटा इस बांगड़ू को अच्छी तरह घुमाना फिराना सारी बंबई दिखाना जी भर के खिलाना पिलाना लेकिन तू तो कुछ मत खाना पीना रात को पाई पाई का हिसाब लूंगी। डोंट वरी मम्मी। देख अपने पिताजी से मत कहना कि मैंने रुपए दिए। कभी नहीं। टॉप सीक्रेट। भैया मैं तो आपका नाम बिरजू ही समझता था लेकिन आज डैडी ने बताया कि आपका नाम ब्रिजभूषण है। भाई गलती हुई माफ करना है। आप अरे राम कहाँ ले जा रहा है ब्रिजभूषण भाई साहब को? भाई साहब जब से आप गांव से आए हो कम वक्त मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि आपको मुंबई शहर की सैर कराऊं। चलिए मेरे साथ आज आपको सैर कराएं। नहीं मेरे साथ जाएगा। नहीं मेरे साथ। मेरे साथ जाएगा। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। मेरे साथ। राम भैया श्याम भैया और बिरजू तीनों साथ। अब बिरजू नहीं ब्रिजभूषण पांडे। इधर राम बिरजू बदर। बिरजू बदर देख लो तुम्हें कौन सी शर्ट चाहिए? ये लाल 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 वाली। मैडम टेक आउट दिस रेड शर्ट। थैंक यू। ले लो ले लो। सेंड द बिल एट द कैश काउंटर। थैंक यू। इस तरफ ब्रदर इसमें से सूट चुन लो। ये लीला 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 नहीं ब्रदर ब्लू ब्लू। प्लीज टेक आउट दिस ब्लू सूट। ब्लू ब्लू। नहीं राम भैया इनको मैं अपने पास रखूंगा। क्यों? मैं जब भी इनको देखा करूंगा मुझे याद आएगा कि मैं। ओके ओके इन कपड़ों को डब्बे में बंद करके दे दो। कम ऑन ब्रदर कम ऑन। भुलेश्वर कबूतर खाना आज ही उनकी लॉटरी लगी है। तो क्या दरवाजे से अंदर जाइए और बिरजू का नाम पूछिए। धन्यवाद। दुनिया भी दौलत की गुलाम है। आज ही लॉटरी निकली है और बिरजू से ब्रिजभूषण बन गया। भाई साहब यहाँ ब्रिजभूषण साहब कहाँ रहते हैं? आप कौन है? मैं यतीम खाने का हूँ चंदा लेने के लिए। जी वो तो आपकी सेहत से मालूम हो रहा है। आप भी इस दरवाजे में घुस जाइए। जाइए यहाँ ब्रिजभूषण साहब कहाँ रहते हैं? जी मेरी जेब में है निकाल लीजिए। जाइए आप भी इस दरवाजे में घुस जाइए। शुक्रिया। पाल लगाना मुश्किल कर दिया लोगों ने। कहिए आपको भी ब्रिजभूषण से मिलना है? सुंदर भैया मैं बिरजू हूँ। बिरजू। अरे बिरजू तेरी तो काया पलट गई। ये कपड़े का लोगों ने लेकर दिए हैं। अच्छे है ना? अरे कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन जरा लोगों से बच के रहना। ब्रिजभूषण ब्रदर चलो अंदर इसकी बकवास मत सुनो। चलो चलो भैया। ब्रिजभूषण बाबू की। ब्रिजभूषण बाबू की। अरे श्याम भैया बत्तियां क्यों चमकाते हैं? ये कौन है सब लोग? कौन है भाई आप लोग? मैं यतीम खाने की तरफ से आ रहा हूँ और मैं सुधर
समागम प्रेसिडेंट हूँ और मैं महिला समाज की ओर से आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि रात्रि की रकम से कुछ दान पुण्य करें। ये लो, गांव बसा नहीं और उचक्के पहले आ गए। ऐसा मत कहो साम भैया, दान पुण्य तो बड़ा अच्छा होता है। आप फिक्र मत करें, मेरे पास पैसा आएगा मैं सबको खुश कर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण साहब। मैं अखबार इंकलाब जिंदाबाद के दफ्तर से आया हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ना अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आएगा तो दे दूंगा। ब्रजभूषण भैया, ये अखबार वाले हैं, ये आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप किस गांव में पैदा हुए, फिर उस गांव में से यहाँ शहर कब आए, आपकी फोटो ये अखबार में छापना चाहते हैं। अच्छा, हमारी फोटो छपे में छपेगी? तब तो ठीक है। मैं दुर्गापुर गांव में अपने माँ बाप के घर में पैदा हुआ। जब इतना सा था तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाया करती थी, और जब मैं जरा बड़ा हुआ तो फिर काली बकरी का दूध पीता था। फिर मेरी माँ सरसों का साग और बाजरे की रोटी मुझे खिलाया करती थी। और फिर एक दिन मेरी माँ मर गई। फिर मेरी रोटी पकाने वाला कोई नहीं था, मगर गांव वाले मुझे रोटी खिलाते थे जी। फिर एक दिन मैं शहर चलाया अपने मौसा मौसी के पास दुकान खोलने। दुकान तो खुली नहीं, खाना भी नहीं खिलाते थे शहर वाले, डांट टपट बहुत करते थे, मारते भी थे मुझे। एक दिन कहने लगे तेरी लाटरी निकल आई है। पर फिर क्या था, मजा ही मजा। राम और श्याम भैया ने मुझे बंबई शहर घुमाया, बाबू जैसे कपड़े पहनाए, खूब पेट भर के खाना खिलाया, और फिर आप लोगों के भी दर्शन हो गए। भैया मत करो, आगे मैं लिखा दूंगा, आप थक गए हो, चल के ऊपर आराम करो। अच्छा, अरे वाह साहब, कितने सीधे आदमी। अरे सीधे क्या साहब, देवता है देवता। लिखिए साहब, ये हमारे बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं। अजी रिश्तेदार नहीं, भाई है, सगे भाई। लिखिए, पारो राम और श्याम भैया ने मुझे ये बिलाती कपड़े लेके दिए, और मैंने खुद देख बापूजी की टोपी मिली। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। सचमुच तू इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगता है रे। आ तो मेरे साथ। भगवान ना करे तुझे किसी की बुरी नजर लगे। पारो, जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ जब भी मुझे नए कपड़े पहनाती थी इसी तरह मेरी नजर उतारा करती। और तुझे भी रोते हो, वो अपनों का हमेशा भला ही चाहते हैं। माँ अपने बेटे का, बहन अपने भाई का, और छोड़ ला तुमको, तू मेरे साथ काम में हाथ बटा। चलो तो बैठ बैठो, और ये प्यार कर दे। हाँ, ये और देख, जरा ध्यान से काटना, उस दिन की तरह उंगली नहीं काट लेना। अरे कट जाएगी तो फिर से पति मान देना। हाँ मैं मर जाऊँ करूंगी, बेशर्म मेरे बेटे से नौकरों का काम लेती। अरे तू नहीं जानती ये कितना बड़ा सेठ है, इस घर का मालिक है मालिक। बेटी नौकरों को मुंह नहीं लगाती। घर की रौनक है, शोभा है, तेरी जगह ऊपर छत पर नहीं इन कमरों में है। बैठ, सारा दिन घूमते रहा है, थक गया होगा मेरा बेटा। ना मैं तेरे जूते उतार। नहीं मौसी, मैं खुद उतार दूंगा। अरे बेटा तू कैसे उतार लेगा, तेरी माँ होती तो वो तेरी देखभाल नहीं करती क्या? मैं तेरी माँ की बहन हूँ, तेरी मासी। वो तो बेचारी स्वर्ग सिधार गई। हाँ तेरी देखभाल मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा बेटा? कितने सुंदर पांव है मेरे राजा के। हाय मैं मर जाऊं, लगता है नए जूतों ने काट लिया है, नीले पांव पड़ गए हैं मेरे बेटे के। अरे ओ बिंदु, गरम पानी के बाल्टी में नमक डाल कर ला। चिंता मत कर बेटे, गरम गरम पानी से सेक
स्लीपिंग सूट। ले बेटा अपने कपड़े उतार और ये पहन ले, बड़े लोग घर में स्लीपिंग सूट पहनते हैं। मगर मौसी मैं तुम्हारे सामने कैसे कपड़े बदलूंगा? तो क्या हुआ बेटा, अपनी माँ के सामने नहीं बदलता था? तब तो मैं बहुत छोटा था मौसी। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई। दरअसल बात ये है बेटा, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ की नजर में छोटे ही रहते हैं। अच्छा ले, अकेले में पहले मैं जाती हूँ। माँ छोटके, माँ वाली, माँ वाली। मैं समझता था अपनी माँ के बगैर कोई माँ ही नहीं होती, देखो कहीं का। खा बेटा, पेट भर कर खा, खा। क्यों जी, कि लॉटरी के पैसे कब तक मिल जाएंगे? अरे भाग्यवान, आज है शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे की छुट्टी, कल दूसरा शनिवार सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद, परसों आएगा इतवार, बस सोमवार को सारा माल अपना। व्हाट अपना डैडी? मम्मी पहले इनकम टैक्स कटेगा, फिर सेल्स टैक्स, और उसके बाद में। अबे गधे की औलाद, लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं होता। तू चिंता मत कर, ये दो तीन दिन तो यूँ चुटकियों में निकल जाएंगे। अरे बेटा पानी पी रहा है, अरे खाना खाना। मौसी पेट भर गया, अब खाने को मन नहीं होता। क्यों, खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो बहुत अच्छा है मौसी। अच्छा क्या खाक बना है? मम्मी भैया के लिए इससे भी बढ़िया खाना होना चाहिए। क्यों रे पारो, मैंने तुझसे कहा था ना ब्रिजभूषण के लिए खूब घी डाल के पराठे बनाना। हाँ कहा तो था, लेकिन घी ला का तो नहीं दिया। जबान चलाती है। देख पारो, तुझे अगर ठीक से काम नहीं करना है तो मैं दूसरा घर ढूंढ ले। अरे उधर क्या देख रहा है बेटा, ले मिठाई खा। कल से मैं तेरे लिए अपने हाथों से परांठा बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। खा खा दे, खा 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 खा। पारो। क्या है पारो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आप तो तुम्हारे भाई हैं, मौसी है, मौसा है, सभी तो तुम्हारे अपने सगे वाले हैं। लेकिन पारो, चूड़ी पारो, तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन मैं तो जा रही थी, यही कुछ कहना चाहते हैं। क्यों ब्रिजभूषण बेटा, तुम नौकरानी से कुछ कहना चाह रहे हो? मौसी वो मैं तो पहले ही जानती थी, मेरा राजा बेटा नौकरों को मुंह नहीं लगाएगा। चल जा रही है यहाँ से। जा ले बेटा पान खा ले। चलो मेरे साथ। अरे बेटा तू इसे कहाँ ले जा रहा है? मदर समझो। अच्छा अच्छा मदर, दिस वे, कम ऑन। ब्रिजभूषण बेटा कहाँ हो तुम? लो ब्रदर सिगरेट पियो। नहीं था भैया, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे सिगरेट नहीं पियोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? अब तुम गांव के मामूली किसान थोड़ी हो, शहर के रईस हो। रईस मिले ना लखपति। तुम्हारी चाल ढाल बातचीत सबसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम ग्रेट हो, ग्रेट। लो लगाओ कश। दम मारो दम। अरे बस 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 बस, शुरू शुरू में थोड़ी सी खांसी और फिर बाद में स्वर्ग के झोंके। ब्रदर लिसन, कल मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, हम दोनों लंदन जाएंगे। ब्लैक पेरिस। लंदन? ब्लैक? मगर साहब भैया अपने गांव में तो लोग कहते हैं कि जो सुख छज्जू के चबारे, ना बलख ना बुखारे, तो फिर मैं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में क्या करूंगा? अरे अपने देश में रखा ही क्या है, ये भी कोई मुल्क है? न घूमने फिरने की आजादी, न खाने पीने का मजा, जिधर देखो चारों तरफ भिखमंगे हाथ फैलाकर खड़े हैं। कहीं किसी को पता लग गया कि तुम्हारे पास इतने सारे रुपए हैं तो तुम्हारे वो रुपयों का फुग्गा बनाकर आसमान में उड़ा देंगे। लेकिन विलायत में वहां पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं, दिन भर घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, और रात को नाइट क्लब। नाइट क्लब? हाँ वो क्या होती है? नाइट क्लब होती है वो इंद्रसभा। इंद्रसभा का तो नाम सुना है ना? हाँ उसी को अंग्रेजी में नाइट क्लब कहते हैं। लेकिन इस इंद्रसभा के महाराज इंद्र हो गए तुम। गोरी गोरी अप्सराएं तुम्हारे सामने नाचेंगी, उनका अंग अंग
छिड़क उठेगा और नाचते नाचते वो अपने ब्लाउज के बटन खोलना शुरू कर देंगी। एक बटन, दो बटन, तीन बटन, उसके बाद नाच पूरी जान ही पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे के कपड़े उतारना शुरू कर देगी। शाम भैया, शाम भैया, शाम भैया, मुझे कपड़े मत उतार। अरे मैं उतार कहा रहा था, मैं तो तुमको रिहर्सल करके दिखा रहा था। मगर शाम भैया, इन छोकरियों को सबके सामने कपड़े उतारते हुए शर्म नहीं आती? अरे ब्रदर, शर्म जैसी घटिया चीज हमारे हिंदुस्तान में ही है। वहाँ के लोग इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तुम कुछ भी कहो भैया, मुझे ये सब बातें नहीं पसंद। तो क्या हुआ, किसी अच्छी सी अंग्रेज मेम को देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे और सुहागरात को वो तुमसे कहेगी डार्लिंग आई लव यू, और उसके जवाब में तुम कहोगे स्वीट हार्ट यू आर सो चार्मिंग। मगर शाम भैया, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं फिर बातचीत कैसे करूंगा? ब्रदर फिकर नॉट, तुम्हारा प्लेबैक मैं दे दूंगा। क्या दे दोगे? अब प्लेबैक मेरा मतलब है सुहाग रात को तुम्हारे पलंग के नीचे मैं छुप जाऊंगा और जब तुमसे वो अंग्रेजी में बात करेगी तो उसका जवाब अंग्रेजी में मैं दे दूंगा। सुहाग रात मेरी और पलंग के नीचे से बात करोगे तुम? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा छोटा ब्रदर हूँ, छोटा भाई। तुम कहोगे तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, और अगर तुमने आंखें खोल ली तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। तब तो ठीक है। शाम के बच्चे, यस डैडी, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है अभी भूषण बेटा? मौसा जी, शाम भैया ब्लैक में जाकर गोरी गोरी मेल से मेरी शादी कराएंगे। अरे बेटा, इसका तो दिमाग खराब हो गया, तू मेरे साथ चल। अरे डैडी, मुझे यूरोप की ट्रिप तो डिस्कस कर लेने दो। तू अपनी ट्रिप अपनी जेब में रखना। चलो बेटा। ब्रदर, ओहो, ये आजकल के बुढ़े तो नई बातें समझते ही नहीं, नए जमाने की। आराम से बैठ जाए, बैठ जाए। अब मैं तुझे काम की बात समझाऊं। बेटा, ये दुनिया जो है ना, वो अपने मतलब के अंदर। अब सीधी बात तो ये है बेटा कि जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां आएंगी, जहां पैसा दिखेगा वहां भीड़ लगेगी। और बेटा, अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है। बेटा बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। मैं कह रहा था अब तू मामूली आदमी नहीं है, तू लखपति है बेटा। लूटने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन प्यार करने वाला मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा बेटा। हाय, आप नींद के मारे मेरे बेटे का बुरा हाल हो रहा है और तुम अपनी रामायण हके जा रहे हो। चल बेटा, चल चल मेरे साथ, मैं तुझे सुनाती हूँ मेरे लाल। आजा 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 आजा, चल 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 चल। आ बेटा, सो जा सो जा। हाँ बेटा, तुम जाओ। नहीं बेटा, तेरी आंख लगे बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? तू सो जा, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। छई मई आजा निंदिया, सासुरों का लेके मीठा बाजा निंदिया। भूषण भैया, ओ भैया, सो गए क्या? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो भैया, दिन रात एक करकर मैंने एक फिल्म के लिए कहानी लिखी है, छह के छह गाने तैयार है। अगर थोड़े फाइनेंस का बंदोबस्त हो जाए तो मेरी पिक्चर तैयार। भैया सुन रहे हो ना, तो फिर कभी किसी डायरेक्टर को नक्की कर लू। भैया माल लगाओगे ना? बन गया काम, हंगामा फिल्म कंपनी प्रेजेंस उल्लू का पट्टा। Mm-hmm.
भूषण कहाँ जा रहा है तू? मौसी दूध लाया है। अरे दूध लाने के लिए घर के निकट तो क्या काम है? अरे वो राम श्याम तांगे टूटे तुम्हारी कहाँ मर गए सबके सब? राजा बेटा तू अंदर चलकर अखबार देख, मैं तेरे लिए बेटी लेकर आती हूँ। बेटी? बेटा सुबह की चाय। मम्मी मैंने तो इनकी चाय का गर्म पानी रख दिया है, तुम जाके दूध ले आओ ना। बेटी तू ही जरा इनका ख्याल रखना, मैं अकेली जान क्या क्या करूं, अभी दूध लेकर आती हूँ। आप चलकर बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय लाती हूँ। अच्छा। क्या सॉलिड प्रोग्राम बना, क्या करते हो? उठो गेट अप गेट अप, चलो तुमको दुनिया की सैर कराते हैं। क्या हसीन है दुनिया, क्या रंगीन है दुनिया। यस उठो उठो भैया चलो। अरे नो बेटी भैया स्टेबिलिटी पी गए। कमान आओ ब्रदर्स भाई। अरे संभालो संभालो संभालो, इधर बैठो बैठो। यस सर। क्या लाऊं? दो ठंडा बियर और तीन ग्लास। देखा ब्रिजभूषण भैया, ये है असली बंबई, बहुत अच्छी है, मैंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी। अरे ब्रदर ये तो कुछ नहीं, आगे देखो क्या होता है। वेरी गुड। साम भैया ये क्या है, ऊपर से सफेद सफेद नीचे से पीली पीली? इसको कहते हैं अंग्रेजी लस्सी। अंग्रेजी लस्सी? हाँ, हाँ भैया पी के तो देखो, पियो पियो। ये तो कड़वी है। हाँ ब्रदर पहले कड़वी होती है बाद में मीठी लगती है। बाद में मीठी? हाँ। तो ठीक है पी जाओ। छोटी सी बात है दिल में, कह दो कह दो कह दो। कैसे कहूँ किससे कहूँ? जी जी ना ना ना, शर्म की बात है। बड़ी मुश्किल से
सोचती हूँ कभी कभी हो जाऊँ किसी की, भूल के बातें पिछली जिंदगी की। सोचती हूँ कभी कभी हो जाऊँ किसी की, भूल के बातें पिछली जिंदगी की। फिर तेरी सूरत याद आ जाती है, आंखों के सामने घटा छा जाती है। कैसे कहूँ शर्म इस मकान के दे सकता है, लेकिन मैं तुमसे 1,00,000 लूंगा। मगर मौसा जी, आप मुझसे 1,00,000 का घाटा क्यों खा रहे हैं? इज्जत का सवाल है ना, अगर घर में ही सौदा हो जाए तो बाहर खबर नहीं जाएगी ना। बस जैसे ही तुम्हारी लाठी के रुपए आए हैं, तुम इस घर के मालिक और मैं तुम्हारा भाड़ू। हर महीने रो आपसे किराया वसूल कर मुझसे। अरे मौसा जी, आप इतने बड़े वकील होकर उस सुंदर पान वाले से किराया वसूल नहीं कर सकते तो मैं आपसे कैसे करूंगा? अरे बेटा, वो भाड़ू गुंडा बदमाश है, मैं शरीफ आदमी। शरीफ आइए, डायरेक्टर साहब आइए, आइए आइए। गरीब उठिए, आप यहाँ से उठिए, उठिए भैया, आप बैठिए, आप तस्वीर। अच्छा 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 भैया, ये हमारे डायरेक्टर साहब है और ये श्री ब्रिजभूषण जी मेरे फाइनेंसर। ओ गुड मॉर्निंग सर जी, क्या बोलते हैं आपको अंग्रेजी में? नमस्ते कह रहे हैं। डायरेक्टर साहब, ये मेरे डैडी है जी, बदकिस्मती से मैं ही इनका बाप हूँ। क्या बात, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बच्चे डायलॉग बोलते हैं, अगर जवानी मुझे मिलते तो मैं आपको विलन बना देता। जी क्या बोले, मेरी सूरत विलन जैसी दिखती है आपको? मैं मतलब कुछ कहने का और था, कुछ कह क्या और, मेरा मतलब था कि आप हीरो लगते। हाँ तो भैया, मैं ये फिल्म 1,00,000 में बना लूंगा। आज चरण से कहता हूँ कि 25 हफ्तों से पहले ये फिल्म नहीं उतरेगी। राम भैया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जैसे मौसा जी कहेंगे तो वैसे करूंगा। अरे जीता रहा बेटा, हाय हाय हाय, अपनी औलाद से तो ये खोटा सिक्का खड़ा निकला। भैया, रात तुमने मुझसे वादा किया था
अब साफ साफ बताओ रुपया लगाओगे या नहीं? मैं फिल्म चलो मैं रुपया नहीं लगाऊंगा। शाबाश बेटे शाबाश। मिस्टर राम तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है। आपस में फैसला करके फिर मुझे बुलाना था। मेरा इज्जत किया तुमने। लेकिन डायरेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुना नहीं चाहता। डायरेक्टर साहब अबे जाने देने काहे को पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ बड़ा टल गई तेरे सर से। डायरेक्टर साहब ने ठीक कहा था कि आप विलन है। पक्के विलन। अबे जबान संभाल कर बात कर। विलन हो गया तेरा बाप। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो भैया स्टूडियो चलते हैं और डायरेक्टर साहब से माफी मांगते हैं। नहीं जाना बेटा फिल्म के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो ये तुझसे भीख मंगवा के छोड़ेगा। मैं लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। अरे देखो ना अपने लाले की कसू क्या गुल खिला रहा। मेरे भोले भाले विदूषण को गलत रास्ते पर डाल रहा है। कहता है कि फिल्म में रुपया लगाओ ताकि वो जैसे गाँव से आया था वैसे ही वापस जाए। मम्मी देयर इज अ डैम फ्रॉड। अपना खलासा मकान भैया के सर पर थोपना चाहते हैं जिसको तोड़ने के लिए म्युनिसिपालिटी ने 3 बार नोटिस भेजा है। बेटा तू किसी की मत सुन। चल मेरे साथ। ब्रदर गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। पासपोर्ट का सारा इंतजाम पक्का। अब सिर्फ एक ओवरकोट खरीदना बाकी है क्योंकि लंदन में बहुत ठंडी पड़ती है। कम इतनी चलो मेरे साथ। के झूठे टुकड़े तुम ही मुझे खिलाया करती थी। अब लॉटरी निकल आई है तो बांगड़ू से ब्रिज भूषण बेटा हो गया है। रोड लड्डू पेड़े खिलाए जा रहे हैं। पंखा झला जा रहा है। लोरी सुनाई जा रही है। क्यों पैसे के लिए? पैसे के लिए कौन खोल कर सुन लो। मैं अपने पैसे को खा जाऊंगा उड़ा दूंगा आग लगा दूंगा मगर तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे ब्रजभूषण ठंडा हो जा। भैया डायरेक्टर साहब को क्या जवाब दूं? ब्रदर ओवरकोट वाले को क्या कहूं? फाइल में जाओ तुम लोग। बोल तुझे पैसा चाहिए? तुझे भी चाहिए पैसा? नहीं दूंगा नहीं दूंगा। मैं तेरी खत्ते मार दूंगा। मैं नहीं दूंगा। अजय सुनते हो बिरजू पागल हो गया। अजय वनाप शनाप बकता है। कहता है मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा मार डालूंगा। अरे तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? बिरजू अगर पागल हो गया तो माल हमें कैसे मिलेगा? वो तो पागल हो ही गया साथ तुम भी सखिया गए हो। अजी हम पुलिस में खबर कर देते हैं कि हमारे घर का नौकर पागल हो गया। वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे और हम लाटरी का टिकट कैश कर लेंगे। आखिर हम ही तो रिश्तेदार है उसके। अरे भगवान वो पागल नहीं हुआ है बल्कि होश में आ गया है। उसे पता चल गया है कि हम क्या है और पैसे की कीमत क्या है। तो फिर क्या किया जाए? किसी न किसी तरह ये रकम हाथ लगनी ही चाहिए। सारे हथकंडे तो हम लोग आजमा चुके लेकिन वो जाल में फंसते ही नहीं। अब तो एक ही डॉक्टर है जो उसका इलाज कर सकता है। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर जल्दी बुलाओ ना। अरे वो डॉक्टर तो अपने घर में ही है। वो अपनी नौकरानी पारो उसे हाथ में ले लिया जाए ना तो बिरजू का दिमाग ठंडा। ये कैसे हो सकता है? आप उसके रिश्तेदार हैं बुजुर्ग हैं। आप ही उसे समझाइए। मैं गरीब किसी को क्या समझाऊंगी? एक मामूली नौकरानी हूँ। नौकरानी? अरे क्या कह रही हो पारो? मैंने आज तक अपनी बिंदु और तुमने कोई फर्क ही नहीं समझा बेटी। अरे तुम इस घर की बेटी हो लक्ष्मी हो। और अगर उसने मुझे भी जवाब दे दिया कि पैसा मेरा है मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगा तो? अरे बेटी वो तुझसे ऐसा कह ही नहीं सकता। ये तो सच है ना कि वो तेरी हर बात मानता है। तो जब तू प्यार से उसे समझाएगी तो वो लाटरी का टिकट तुझे दे देगा और तू चुपके से मुझे दे देना वरना बेटी वो इतना सारा रुपया एक साथ देखकर पागल हो जाएगा पागल। नहीं नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा। पारो बेटी मैं तेरे पास बड़ी आस लगा के आया था। अरे दुनिया में एक तू ही है जो हमारी मदद कर सकती है। बिरजू मेरा इकलौता भांजा है। भगवान के लिए उस मासूम बच्चे को पागल होने से बचा ले बेटी। मैं तेरे पाँव पाता हूँ। मुझे बाकी की पाँव छूकर मुझे पापी मत बनाइए। मेरे भाग तो पहले ही फूटे।
दो पल का सुख भी तो नहीं है मेरे जीवन में। अरे तू क्या चाह रही है बेटी, हमारे जीते जी तेरे मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते। नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा बेटा, नहीं दूंगा। मेरी माँ की बात नहीं सुनेगा? नहीं सुनूंगा, किसी के नहीं सुनूंगा, पैसा नहीं दूंगा। पैसे किसको नहीं देगा तो मर दो, मैं शोर क्यों मचा रही हूँ? शोर? अच्छा नहीं मचाऊंगा शोर, मगर तुम सब तो बोल दे मेरी जान छोड़ दे। ठीक है बेटा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन पारू क्या कह रही है तो सुन लो। बोल पारू, तू क्या बोलती है? कुछ भी नहीं। बेटी इतनी जल्दी भूल गई, अभी मुझसे जो बोल रही थी वो बिच्छू बेटा से बोलने में। हाँ हाँ मैं अकेले में सुन लूंगा, तुम लोग सब जाओ। हाँ। जाओ उधर जाओ, अभी बाहर जाओ। यहाँ क्या काम है तुम लोग? मौसा जी तुम भी जाओ। बेटा पारो बेटी याद रखना। अरे जाओ। अरे वाह, तुम लोगों को डांटने भी लगा। अच्छा मेरी बात सुनो। तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले तू मटके से ठंडा गिलास पानी मुझे पिला, मेरे तो कलेजे में आग लगी। अच्छा, गांव बसा नहीं, चोर पहले ही इकट्ठे हो गए। अरे वाह। अरे पारो, सब पैसे की माया है, सब पैसे की माया है। अब तक यही लोग मुझे डांटते थे, मुझे गालियां देते थे, बात बात पर मैं अपमान करते थे, और अब मेरे पास पैसा आने वाला है तो मेरे सामने नाक रगड़ने को तैयार है। लेकिन ये पैसा तेरा कहाँ है रे? तो मेरा अधिकार है, याद है दिवाली की रात तू यही टिकट मुझे दे रहा था। अरे तू अब ले ले, तुझमें मुझमें फर्क ही क्या है, ये ले, भगवान जी ने तेरी प्रार्थना सुनी है। अगर मैं इस टिकट की रकम लेकर कहीं चली गई तो? चली गई? मुझे सब खबर है, तू मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। सच? अच्छा एक बात बता, तू इतने सारे रुपयों का करेगा क्या? क्या करूँगा? अरे एक बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा, उसके ऊपर लाल पीली ऐसी टिमटिम करती बत्तियां लगाऊंगा, डाकों की भीड़ लग जाएगी, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, पैसों का ढेर लग जाएगा, नौकर चाकर मोटर गाड़ियां, सारे शहर के लोग ब्रजभूषण सेठ के सामने झुक झुक कर नमस्कार करेंगे। ए बिरजू, ये शहर के सपने देखना छोड़ दे, यहाँ सब झूठ है, सब कुछ नकली है। तो फिर तू ही बता पारो, इतने पैसे का हम क्या करेंगे? हम दोनों गाँव चले जाएंगे और वहाँ वहाँ बहुत सारी जमीन खरीदेंगे। तू खेतों में हल चलाया करना और मैं तेरे लिए खाना लाया करूंगी। नदी किनारे एक छोटा सा घर होगा जो शहर से दूर बहुत।
लक्षण, बजाय बिरजू को समझाने के खुद ही उस पर डोरा डालने लग गई। इससे तो अच्छा होता हम अपनी बिंदु को उसके पीछे लगा देते। कैसी बातें करती हो राम की माँ। इसमें बुरा ही क्या है जी, मैं तो कहती हूँ लॉटरी का पैसा मिलने से पहले ही हम बिंदु का ब्याह उससे कर दें। अरे लेकिन बिंदु मानेगी, वो पढ़ी लिखी लड़की, अब बिरजू एकदम गंवार। अजी आदमी गंवार तब तक ही होता है जब तक उसके जेब में पैसे ना हो। रही बिंदु की बात, मैं उसे समझा लूंगी। भगवान भगवान ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारा। वो कपड़े मुझे बहुत काटते हैं, इनमें बड़ा मजा आता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कितनी शर्म की बात है, हमारा होने वाला दामाद और ऐसे कपड़े पहने। दामाद? किसका दामाद? ओहो बेटा, जब अपनी बिंदु के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम हमारे दामाद हुए या नहीं? बिंदु के साथ मेरी शादी? क्या कह रहे हो मौसाजी? अरे बेटा क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? बिंदु जैसी सुशील खानदानी पढ़ी लिखी लड़की और तुम्हें कहाँ मिलेगी? मगर मौसी बिंदु तो मेरी छोटी बहन है। अरे बेटा बोलने से थोड़ी कोई बहन बन जाती है, बिंदु तेरी सगी बहन तो नहीं है। मौसा जी हमारे गांव में तो जिसको एक दफा बहन कहते हैं तो फिर उसको बुरी नजर से नहीं देखते। आए हाय बेटा, इसीलिए तो गाँव वाले तरक्की नहीं कर सके, वही लकीर के पति। अगर शादी करने का मतलब बुरी नजर से देखना होता तो आज तक न किसी लड़की की शादी होती न किसी लड़के का ब्याह। मौसा जी वो... अरे बेटा शादी ब्याह तो संजोग से होते हैं, ऊपर वाले का लिखा कौन मिटा सकता है भला। क्यों जी? ठीक है भाग्यवान। तो जल्दी बुलाओ पंडित को और कली का शुभ मुहूर्त निकलवाओ। क्यों री तो कड़ी क्या सुन रही है? जा यहाँ से। जा रही हूँ, हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये लो रसोई की चाबियाँ। पैसे नाक पे मारूंगी तो तेरी जैसी हजार लाइन में खड़ी हो जाएंगी। चल जा यहाँ से। बेटी सुन तो, तू जा तो रही है मगर वो अपनी बिंदु की शादी में मिठाई खाने जरूर आना। जरूर आऊंगी, बिरजू बाबू दूल्हा बनेंगे, उन्हें देखूंगी, मेहमानों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, खुद भी खूब खाऊंगी और फिर झूठी बात मुंह साफ करके चली जाऊंगी। सुबह के अखबार में सेकंड प्राइज का गलत नंबर छपा था, अब इवनिंग न्यूज में गवर्नमेंट की तरफ से सही खबर छपी है, बिरजू का सेकंड प्राइज 2.5 लाख नहीं बल्कि फर्स्ट प्राइज 5 लाख का निकला है। अरे बेटा मैं तो तेरी मस्तक रेखा देखकर ही समझ गया था कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ। मैं तो पहले ही जानता था कि मेरे भाई के साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। हाँ, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी भैया जरा भी नहीं बदले। मम्मी मैंने अच्छा किया स्कूटर वाले को भगा दिया। मम्मी
मुझे निकाल, नहीं देगा। नहीं कैसे देगा, इसके हड्डी पत्ती एक कर दो। आज तक तुमने किसी गरीब की शराबत देखी है? उसकी ताकत नहीं देखी, उसका दिल देखा है, उसके हाथ नहीं देखे। आओ जाना है, जाना जाना है दूर कहीं।